नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के युवाओं का हक मारने का लगाया आरोप। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दी चेतावनी, अब ज्यादा नहीं चलेगी मनमानी। जम्मू में सिखाई जाएगी मार्शल आर्ट्स की प्राचीन भारतीय पद्धति। आईडीपीएस स्कूल में दो दिवसीय वर्कशॉप का कल से होगा आगाज। हुनरमंदों को खेलो इंडिया में मिलेगा मौका। और सीडीएस वाण्या के निधन से देशभर में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर में भी हर कोई हो रहा गमजदा। योद्धाओं को भावनी श्रद्धांजलि देकर दिया गया नमन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के निजाम में यहां पूरी तरह से राज्यों के अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह देखने को मिल रही है। नौकरियों में भी बाहरी राज्यों के युवाओं को तरजीह देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई है। और जम्मू में आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन भी यहां के बेरोजगारों के जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बड़ी बड़ी तालीम पाए जाने यहां पर जो युवा हैं वो भी आज अपनी किस्मत को रो रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोजगार देने की बजाय बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार दे रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने इस बाबत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अवगत करवाया था और उनके आश्वासन के बावजूद अभी तक हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हमारे बच्चे बेकार पढ़े लिखे, जैसे अभी उन्होंने कहा, बड़ी बड़ी तालीम में पाए हुए, घरों में बैठे हुए अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि यार मेरे बाप ने सब कुछ छोड़ के मुझे पढ़ाया है, आधी रोटी मेरी मां ने खाई है, मुझे पढ़ाया है कि आखिर मैं उसकी खिदमत कर सकूं। उसके बजाय ये बाहर से ला रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, जैसे कि हमारे बच्चे थर्ड रेट हैं, कब इनको होश है। हमारे डॉक्टर बेकार, इंजीनियर बेकार, गडकरी जी आए और श्रीनगर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ शेर कश्मीर कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में, मैं इनसे गुजारिश मैं हजूर इतनी बड़ी बड़ी टनलें बन रही हैं, क्या हमारे इंजीनियर्स काबिल नहीं है कि वो काम कर सके? क्या हमारे मजदूर नहीं है जो पत्थर उठा सके? क्यों आप दूसरी जगहों से ला रहे? क्या हमारे लोग बेकार नहीं है, भूखे नहीं है, नंगे नहीं है? ठंड ने मुझे खत लिखा कि नहीं, हम इसकी तरफ तवज्जो देंगे, खुदा जाने तवज्जा कब। हम लोग इनसे ज्यादा नहीं, हम अपना हक मांगते, हम नहीं मांगते किसी और रियासत का हक, हम अपना हक मांगते हैं। तुम वो हक हमसे छीन रहे हो, खबरदार रहिए, आतश विशाल पहाड़ तैयार हो। तो मार्शल आर्ट्स के शौकीन बच्चों को इसकी प्राचीन पद्धति सिखाने के लिए यहां पर मौका दिया जा रहा है। इस प्राचीन पद्धति को यहां अपनाकर अपना हुनर निखारने और उम्दा प्रदर्शन करने वाले बच्चे फरवरी महीने में खेलो इंडिया के तहत हरियाणा में होने जा रही खेल प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को ये मौका दिया जा रहा है। जम्मू इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ने यहां पर कल से दो दिवसीय मार्शल आर्ट्स वर्कशॉप की शुरूआत कर दी है और स्कूल में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया गया कि इच्छुक बच्चे इस दो दिवसीय वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं और अगर उनमें क्षमता हुई तो वो हरियाणा में फरवरी महीने में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी जा सकते हैं। विद एसोसिएशन कलरीपट्टी एसोसिएशन जेएनके के साथ मिलकर दो दिन का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पे पूरे यूटी से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इन बच्चों में से बेस्ट जो सिलेक्ट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे यूटी को खेलो इंडिया
फरवरी हरियाणा में जो होने जा रहा है नेशनल इवेंट, एंड आई होप कि ये इसमें से हमारे सब बच्चे जो यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग को अवेल करें और बेस्ट जाएं और मैक्सिमम मेडल्स हम अपने जेएनके के लिए विन कर सकें। 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को ये 2 दिन का कैंप आईडीपीएस जम्मू में सुंजवा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें केरला से हमारे कलरी मास्टर श्री जयम एंड इंडिया फेडरेशन से अद्वैत पी स्वामी, जो स्पेशली केरला से इनको ट्रेन करने के लिए आए हैं, एंड आई होप इनकी ट्रेनिंग के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सकें। तो मेरी सब यूथ से और सब आवाम से और सब पेरेंट्स से यही अपील है कि मैक्सिमम लोग जितने भी बच्चे हैं वो क्रिकेट और मार्शल आर्ट, इसके अलावा मार्शल आर्ट जो है ताइक्वांडो और दूसरे भी हैं, उनके साथ जुड़े ताकि ये देश का भविष्य अच्छा रहे, ताकि उनकी अपनी हेल्थ भी ठीक रहे और वो टीम लेने आ सके। भारत को स्तंभ कर चले गए यहां देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की शौर्य गाथा को आज हर कोई याद कर रहा है। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस, उनकी पत्नी व अन्य लोगों की मौत पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा, और देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज कई सियासी दलों के अलावा सामाजिक संगठनों, स्कूली बच्चों व पूर्व सैनिकों ने अपने अपने स्तर पर शोक सभाओं का आयोजन कर जनरल विपिन रावत व इस दुनिया से रुखसत होने वाले अन्य लोगों को भी भावनी श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्माओं की शांति की कामना की। श्रद्धांजलि माननीय जनरल श्री विपिन रावत और उनके साथियों को देने का प्रयास करना चाहता हूं। अश्रुओं की धाराओं में बह करके पूरा देश आज ऐसी महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहा है। इसकी गाथा इतिहास के सुनहरी पन्नों के अंदर लिखने का प्रयास होगा, और ऐसी ऐसी गाथाएं किस तरह से म्यांमार के अंदर उन लोगों को पकड़ करके लाया जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर नरसंहार करा था, किस तरह से उड़ी का हमला, किस तरह से बालाकोट, ये सारी बातें आज समरण और याद करने की हैं। और एक ऐसी गाथा जो इतिहास के पन्नों के अंदर कभी कोई बुलाने का प्रयास नहीं कर सकता। सभी के सभी जो इस देश के लिए उन्होंने जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, उन सभी के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, और सभी की दिगंबर जो हमारा उनके डिपार्टेड सोल हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उस प्रभु से कि उनको अपने चरणों हमेशा हमेशा के लिए जो चरणों में रखें, क्योंकि इस किस्म के व्यक्ति देश में नहीं आते। जो कोई कुदरती थोड़े लोग होते हैं जो इस भारत माता के प्रति जिनकी एक निष्ठा और आस्था होती है, तो ये एक सपूर्ण आस्था के थी। तो हम यही भेद यही प्रार्थना करेंगे सभी अक्षर में हैं, सभी भाई जो जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कि भगवान करे कि उनको शांति दे, और जो कुछ उन्होंने देश के लिए किया है जो आज तक कल तक जो करते रहे वो हम कभी नहीं भूलें। ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी सोसाइटी में हमारे देश में के लिए बहुत कुर्बानियां दी हुई थी। हमारे देश के लिए रावत सर एक पहचान थे, सिर्फ हमारे देश में नहीं, इवन बाहर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जब पीस कीपिंग फोर्स में वो गए वहां भी इन्होंने अपने भारत का नाम ऊंचा, भारत का झंडा ऊंचा रखा, कहीं पर भी नीचे नहीं आने दिया। आज हम सभी उनकी उन सभी जो उनकी कामयाबियां थी, जो उनके एक चैलेंजेस थे, उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो जम्मू सूबे के साथ साथ कश्मीर में भी आज मरहूम जनरल विपिन रावत के निधन पर उन्हें भावनी श्रद्धांजलि दी गई। बारामूला जिले के बोनियार इलाके के लोगों ने आज एक शोक सभा का आयोजन कर स्वर्गीय रावत, उनकी धर्मपत्नी और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए अन्य लोगों को नमन कर उनकी आत्माओं की शांति की दुआएं मांगी। क्योंकि 2.5 साल वो आपके साथ रहा बारामुल्ला में, और आप शाना बशाना उनके थे, वहां पर हर प्रोग्राम में थे, तो आप जाती तौर उनके दिली ख्वाहिशों को जानते थे कि अवाम के तई, देश के लोगों के तई उनकी कितनी हमदर्दी थी। और देश के लोगों को जब कहीं पर भी वो देखता था किसी ये संकट में है, तो विपिन रावत बहसती जीओसी 19 इन्फेंट्री ड्यू जाती तौर वहां पहुंचकर लोगों से हाल पूछते थे। फिर वो आला पद पर गए, लेकिन बारामूला को उन्होंने नहीं बुलाया। जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए उस वक्त भी बारामूला आए, आप वहां मौजूद थे, सब मीडिया वहां मौजूद, तो वहां भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि बारामूला को मैं कभी नहीं भूल डालूंगा। बारामूला ऐसे लगता था कि जैसे उनकी मातृभूमि है। बारामूला को वो
ओएसडी बनकर भी बारामुल्ला को याद करते थे। बहुत से लोग उनको फोन कॉल करते थे और वो फोन उठाते थे, और उनका जो वहां पर स्टाफ अफसर था उसको बताकर था कि बारामुल्ला के लोग कोई भी फोन करे तो एकदम तुरंत मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो। मार्शल आर्ट्स के शौकीन बच्चों के हुनर को एक मंच पर लाने के लिए यहां कुपवाड़ा में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता आज संपन्न हुई है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन इसमें उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और सेना की कुपवाड़ा टेरियर्स में यहां कमांडिंग ऑफिसर कर्नल स्वराज भट्टाचार्य ने भी विजेताओं को सम्मान देकर उनकी पीठ थपथपाई। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर आधारित सियासी दलों पर कश्मीरियों को धारा 370 के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाया गया है। भाजपा की कश्मीर इकाई के महासचिव सरवर हुसैन ने आरोप लगाया कि अब चूंकि विधानसभा चुनावों का ऐलान आने वाले समय में हो सकता है तो लिहाजा किसी समय चुनाव न लड़ने का भी ढिंढोरा पीटने वाली सियासी दल अब 370 के नाम पर कश्मीरियों को गुमराह करने के लिए यहां उतारू हो गए हैं। और सरवर हुसैन ने कहा कि धारा 370 अब इतिहास बन चुका है, लिहाजा इन दलों को इसके ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। सब लोग जानते हैं यहाँ कश्मीर में कि अब इलेक्शन की तैयारी हो रही है, लेकिन उन्होंने पहले बोला था कि हम इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक दफा 370 वापस नहीं दिलाएंगे। आज तो वही लोग इसी बात पे सियासत कर रहे हैं कि हम 370 आपको वापस दिलाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 370 कहां से वापस लाएंगे। वो बात तो गई है, वो दिन भी गई, अब कौन से ड्रामा कर रही है। 370 वापस आने वाला नहीं, वो गया है, लेकिन अब वो मंचूर बना रहे हम आपको 370 वापस देंगे। 370 वापस आने वाला नहीं। लोग तो चाहते हैं बदलाव, खाली बीजेपी को बस इलेक्शन का बिगुल बजने दे, फिर आपको भाई साहब पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है और कौन पार्टी आगे जाने वाली है। सहकारिता की मुहिम को गांव-गांव पहुंचाने के मकसद से जारी कवायद के तहत यहां टंगमर्ग में आज एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कोऑपरेटिव सोसायटी टंगमर्ग की ओर से आयोजित इस शिविर में सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी गई और इस शिविर में कई सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिन्हें इन योजनाओं से वाकिफ कराया गया ताकि वे इन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए भी रोजगार व अवसर पैदा करने के लिए भी कोशिश हो और ये पूरे अवसर इन्हें मुहैया करवाए जा सके। जैसे हम बार बार बता चुके हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि आप पब्लिक रीच आउटरीच कर दीजिए और आवाम को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीमें, खासकर कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के जो स्कीमें हैं, युवा सरकार की जो स्कीम है या एफपीओ बनाने के जो स्कीम है, तो इनके बारे में हमने जवानों को बताया। यूथ आए थे आज के इस प्रोग्राम में, हमारे लाइन डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सोलर डिपार्टमेंट के, वो डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए थे। इनके इश्तेहार से हम चाहते हैं कि आवाम को, खासकर यूथ को इकट्ठा किया जाए ताकि हमारा एम्पावरमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा। तो कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है कि अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है। अगर हमने एहतियात नहीं बरती तो हमें इस पूरे तरह से गंभीर नतीजे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवाह कैंपस में आज आयोजित एक अवेयरनेस लेक्चर में वक्ताओं ने लोगों को आगाह किया कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते ही यहां पर पूरी तरह से आप आगे तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है और समझदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा अगर हमने कर लिया तो अपना, अपने परिवार वालों और औरों को भी हम बचा सकते हैं। तो इस लेक्चर का आयोजन एनएसएस के यूनिट 7 द्वारा किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को कोविड के कारणों और इससे बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों के प्रति जागरूक करना था। That was COVID-19 appropriate behavior. हमारे जो स्पीकर थे, इनवाइटेड स्पीकर, वो BMO भद्रवाह थे डॉक्टर शकील ए सुमरिया, जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया बच्चों को और डाउट क्लियरेंस सेशन हुआ, जिससे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हुई बच्चों को कि कैसे अभी भी हमें अपना मेंटेन करना है डिस्टेंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जिससे हमें इस वायरस से प्रोटेक्टेड रहे। तो अभी भी हम कोविड में अभी बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी हम इसके अंदर ही हैं, फंसे हुए हैं। इट इज लाइक अ क्वैगमायर, हमें लग रहा है कि वी आर फ्री बट वी आर नॉट।
शहीद डिप्टी कमांडेंट शमशेर सिंह मदहास को आज उनके 20वें शहीदी दिवस पर याद किया गया और शहीद के गृहनगर जोड़िया में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिजनों के अलावा पूर्व सांसद शमशेर सिंह मदहास, डीडीसी सदस्य भूषण बराल व बीडीसी सदस्य बलबीर सिंह सहित अन्य लोगों ने भी शहीद शमशेर सिंह को भावनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शमशेर सिंह 10 दिसंबर 2001 को अनंतनाग जिले के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे और शहीद के सुपुत्र दर्शन सिंह ने यहां पर बताया कि मौजूदा समय में शहीदों के नाम पर स्कूलों या फिर अस्पतालों और सड़कों का नामकरण किया जा रहा है, लेकिन उनके पिता के नाम की ओर कोई तवज्जो नहीं दिया गया है, जिससे उनमें काफी रोष है। लेकिन एक बड़ी दुखद गल है, जोधा गनाह सिंह साढ़े पूरे परिवार की, साढ़े पूरे खानदान की, बड़ी मेरे पूरे ग्रह की बड़ा इं चुभन जी लगी कि शहीदों के नाम पर कुछ प्लेसिस या स्कूलें वगैरह का नाम कराया करते हैं। लेकिन बड़े एक अफसोस की गल है कि मेरे फादर साहब का नाम नहीं आया। मैं कि मेरा पूरा परिवार मेरे ग्रां आह्ले सारे बड़े रोश च हे। ईवन दैन वो चाहते हैं कि अस स्ट्राइक करिए, अस हड़ताल करिए इतने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, लेकिन मैं उन्हें रोकया कि नहीं, वो आखिर करते कि चलो दोबारा हो ही जा। चेनाब वैली सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज टाउन हॉल डोडा में प्रदर्शन कर अपनी मांगों पर जोर शोर से गौर फरमाने की कोशिश की है और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की भी एक कवायद शुरू कर दी, जिसमें कर्मचारियों को नियमित करने और मेडिकल अलाउंस देने और इसके साथ ही अन्य मांगों को जोर शोर से उठाते हुए इन लोगों ने प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को यहां पर नहीं माना गया, गौर नहीं किया गया, तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए ये लोग मजबूर हो जाएंगे। हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित में भी, पेपरों में भी, आपके मीडिया गुलिस्तान की वजह से भी हमारी बार बड़ी बार आवाज उठी। हम मीडिया कर्मियों का, खासकर गुलिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बार बार हम धरने पे भी बैठे सर, हमारे सफाई कर्मचारियों को ना तो कोई मेडिकल अलाउंस, वो मर जाते हैं बीमारियों में, एक्सीडेंटल केस होते हैं। एक हमारे सफाई कर्मचारी 57 ईयर एज उनकी है, 3 साल उनको अभी रह गए हैं रिटायरमेंट में, लेकिन अभी तक उनको उनकी एक टांग अभी जख्मी है, फ्रैक्चर है, उसको बार बार बुलाया जाता है कि आप काम करो। ये स्वच्छ भारत मिशन तभी कामयाब होगा, वार्डों में तभी सफाई होगी, कोरोना तभी भागेगा जब इनको रेगुलराइजेशन की जाएगी। इनकी जिनकी भी 7 साल एज हुई है, जो 7 साल पूरे कंटिन्यू म्युनिसिपैलिटी में। बिश्नाह कस्बे में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए म्युनिसिपल कमेटी द्वारा आज एक मुहिम चलाई गई और कमेटी के ईओ अजय सांगड़ा और चेयरमैन की अगुवाई में आयोजित इस मुहिम में जहां कस्बे में यहां वहां पड़ी हुई खाली रेहड़ियों को जब्त कर लिया गया, तो कुछ रेहड़ी वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाकर उन्हें चालान भी किए गए। हमने 2-3 बार अनाउंसमेंट भी करवाया, ड्रम बीटिंग करवाई कि जिनकी जिनकी ये रेहड़ियां हैं वहां से हटा ली जाएं, जिसकी ये रेहड़ियां हैं, ताकि बाजार खुला रहे, लोगों का ही फायदा होता है अगर एनक्रोचमेंट ना हो बाजार में, पर उसका असर कोई नहीं हुआ। फिर आज हम अपने गाड़ियां लेके निकले हैं, तो जो अनऑथोराइजली बंद पड़ी रेहड़ियां थी, काफी लंबे अरसे से बंद पड़ी थी, उनको हमने उठाया है, और या फिर जिन रेहड़ियों ने अपना छत लंबा कर लिया था, ज्यादा एनक्रोचमेंट कर ली थी अपने जरूरत के हिसाब से, जितनी रेडी होती है, मूवेबल रेडी का लाइसेंस होता है, उन्होंने ज्यादा जगह अक्वायर करके रखी थी अननेसेसरी, तो उनको भी थोड़ा हमने वार्निंग दी है, कोई कईयों को जुर्माना किया कुछ। तो मरीजों की सुरक्षा हमेशा से ही डॉक्टरों के लिए सर्वोपरि रही है और आज के दिन को भी विश्व भर में मरीज सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि मरीजों के लिए अच्छे से प्रबंध हो सके, ताकि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को उम्दा से उम्दा इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया जा सके। तो इसी परंपरा के चलते राजौरी के जीएमसी में आज मरीज सुरक्षा दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने वक्ताओं के रूप में अपने से जूनियर डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को मरीजों की देखरेख के तौर तरीके से अवगत करवाया। हमेशा एक डॉक्टर के लिए एक चैलेंज रहा है, तो उस चैलेंज को कम्बैट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से डॉक्टर्स को एडवोकेट करना चाहिए, राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम राइट प्लेस में देना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली जब भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेटअप में आए, ही शुड कम विद अ होप एंड ही शुड लीव विद अ होप एंड अ सक्सेसफुली क्योर्ड पर्सन।
एनएसयूआई की जम्मू कश्मीर इकाई ने आरोप लगाया है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपना कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी के मामलों में अपने फायदे के लिए दखलअंदाजी कर रहे हैं। दरअसल वीसी द्वारा यूनिवर्सिटी के ऑफ साइट कैंपसों में यहां डेवलपमेंट ऑफिसर के पद के लिए आने वाले दिनों में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और यहां एनएसयूआई का आरोप है कि वीसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की फिराक में है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनएसयूआई की राज्य प्रधान सन्नी परिहार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह खुलासा करते हुए चेतावनी जारी कर दी कि इस कथित धांधली पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करेगी। को मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी अब जम्मू के वाइस चांसलर साहब का टेनर खत्म हो चुका है, उनकी एक्सटेंशन नहीं हो पा रही, उनका पीरियड एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो तब भी एक कमेटी को फ्रेम करके एक पार्टिकुलर व्यक्ति को फायदा देना चाहते हैं जिसका अभी शॉर्ट नोटिस में उन्होंने इंटरव्यू जो है 14 दिसंबर को रखा गया है। एक पार्टिकुलर आदमी को वो जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कैंपस ऑफसेट कैंपसेस का डेवलपमेंट ऑफिसर बनाना चाहते हैं क्योंकि वो उनका खास आदमी है और एनएसयू कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी का हक मार के किसी को आप हक जो है दिलाओगे तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।